हेलो। हेलो। हाँ दीदी। हाँ छोटू बोल। अरे दीदी, मैं बोल रहा था, जो अपना दिल्ली वाला जमीन था ना, उसका पेमेंट आ गया था। अच्छा, अरे दीदी, वो लेशू को भी मैं अमेरिका भेज रहा था आगे पढ़ाई के लिए, तो उसमें भी काफी खर्चा आ रहा है। तो क्या हुआ? तू रख ले ये पैसे। अरे दीदी, मैं कैसे रख सकता हूँ अरे पैसे? तू मेरे से छोटा है ना। अरे तू रख ले रख ले, है ना? कोई बात नहीं, अरे ठीक ठीक है दीदी, ठीक चल बाय बाय। है दीदी, बाय। मम्मी क्या बात है, और किसका फोन था? अरे कुछ नहीं, वो तेरे दिल्ली वाले मामा है ना, उनका फोन था। मम्मी मैं ये नहीं पूछ रही हूं। हाँ तो फिर क्या पूछ रही थी? मम्मी मैंने सुना सब कुछ। आप क्यों छोड़ रहे हो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी? और मामा का तो हमेशा लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। अरे वो मेरा छोटा भाई है, उसे कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है। इनकम भी थोड़ी उसकी कम है। अरे हाँ, उसको बहुत दिक्कतें हैं बेटा, उसके बच्चे का भी कैरियर उसको देखना है। अब बाहर भेज रहा है तो पैसे तो लगेंगे ना, और मैं बड़ी हूँ, अगर उसको कुछ पैसे दे देती हूँ तो क्या दिक्कत है? सॉरी टू से मम्मा, दिक्कतें किसको नहीं है, हर एक इंसान को दिक्कत होती है। और आपने जो मेरी शादी के लिए जो लोन ले रखा है, उसका क्या? वो कैसे पे ऑफ करोगे? अरे तू लोन का क्यों टेंशन ले रही है? धीरे धीरे पे ऑफ कर देंगे, और वो मेरे से छोटा है इतना, तो मैं इतना तो कर सकती हूँ उसके लिए। और पापा, और मेरी पेंशन आ रही है ना, उससे अपना खर्चा चलता है, और कुछ अपन सेविंग भी कर लेते हैं। अच्छा तो आप पापा और आपकी पेंशन से आप क्या-क्या करोगे? अरे अभी तू नहीं समझेगी, थोड़ी और समझदार होगी तब तेरे को समझ में आएगा कि पैसों से ज्यादा रिश्तों की वैल्यू होती है। मम्मी आप समझ नहीं रहे हो। अरे ये सब छोड़, तू ये बता तेरी ड्रेस का क्या हुआ? अभी 1 महीने में ही तेरी इंगेजमेंट है। ले ली ड्रेस? और वो टेलर के यहां डाली थी, वो ले आई कपड़े? जाऊंगी कल सपन के साथ। गुड, बी हैप्पी। इतना बड़ा डिसीजन ले लिया आपने, मुझसे पूछा भी नहीं। अरे बेटा तो क्या हुआ? एक बार कोई डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछ तो लिया करो, कुछ जरूरी नहीं समझते हो ना आप? अरे तो वो मेरा छोटा भाई है, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ? और बनिए महान, वो पैसे भी होते तो मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता, आगे चल के आपके ही काम आते। अरे कुछ लाखों की तो बात है, इतना क्यों दुखी हो रहा है तू? अरे बात अमाउंट की नहीं है, बात आपके हक की है। आप खुद अपना पैसा नहीं लोगी तो आपको कौन देगा? वाह मम्मी, आज बीन्स की सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। भैया मैंने बनाए हैं। ओ अच्छा, ससुराल वालों को खुश रखने की तैयारी अभी से चालू हो गई है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सोचा मैं चली जाऊंगी तो आपको बना के खिला दूं, इसलिए आपको बना के खिला रही हूं। मम्मा मैंने एक बात सोची है, वो जो आपने लोन लिया है ना, वो मैं ही पे ऑफ कर दूंगी। अरे बेटे कैसी अजीब बात कर रही है? क्या निधि, तू क्यों इन सब बातों का टेंशन ले रही है? लोन का हम सब देख लेंगे। अरे ये क्या फालतू बात कर रही है, मैंने बोला है ना हम लोग मैनेज कर लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा मम्मी, अपना वो इंदौर वाला फ्लैट पड़ा है ना, उसका मेंटेनेंस भी बहुत लग रहा है और कोई देख रेख भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको सेल आउट कर देते हैं अपन। अरे बेटा नहीं, वो तो निधि के नाम से है, तेरे पापा ने खरीदा था, वो उसका हिस्सा है। तो क्या हो गया, कौन सा? वैसे भी निधि वहां रहने वाली है, शादी के बाद तो वैसे भी वो चली जाएगी। अरे नहीं, वो तो तेरे पापा ने उसे गिफ्ट दिए ना। क्या मम्मी, दो बच्चों में भी हिस्सा? क्या पागलपन है ये। अच्छा भैया अगर ऐसा है तो कल आप मम्मी से इतना कुछ क्यों बोल रहे थे? अगर ऐसे है कि मम्मी ने अपना खुद का नुकसान कराया है, साथ में मेरा नुकसान भी कराया है, अपने हक का पैसा तो छोड़ा ही है, मेरे हक का पैसा भी छोड़ दिया है। पर घूम फिर के भैया वो पैसे तो आपके थे ही नहीं ना, तो फिर नुकसान कैसा? तुझे पता भी है कितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो कृपा करके मुझसे फालतू बातें मत करना।
तो क्या गारंटी है कि शादी के बाद मेरी लाइफ भी सॉर्ट आउट रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा? तो लीगली भी लड़कियां भी अपना हिस्सा मांग सकती हैं। और रही बात हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो वो किसी का हिस्सा मार के कैसे आप सॉल्व कर सकते हो? देखो मम्मी, अब ये निधि कितनी बड़ी हो गई है, ये अपने को ही लॉ के बारे में समझा रही है। क्या कमी छोड़ी है हमने तेरे लिए? तेरी लाइफ स्टाइल, तेरा एजुकेशन, तुझे जिस चीज की जरूरत थी हमने तुझे वो दिलाया है। कोई कमी छोड़ी है क्या हमने? सपन, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? उसको रोको ना। अरे कल मैं मामा जी से जब बात कर रही थी तो फिर तू क्यों मना कर रहा था मुझे? पता है भैया, मैं हमेशा जब दूसरे भाई बहन को देखती थी तो मुझे हमेशा लगता था कि ये लोग इतना लड़ाई क्यों करते हैं, इतना झगड़ा क्यों करते हैं। और मन ही मन में एक ही चीज सोचती थी कि अपन दोनों में लड़ाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन मैं गलत थी भैया, रिश्ते हैं ना तभी तक हैं जब तक आप अपने अधिकारों की बात ना करो। जहां आपने अधिकार मांगा वही रिश्ते खत्म है ना भैया? भैया यहाँ ना बात प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद और उस घर की नहीं है, यहाँ बात सिर्फ है हिस्से की, जो आपका भी है और मेरा भी।